नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके किसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट मनी ट्रांसफर पोर्टल के बारे में। अगर आप AEPS का काम करते हो, बैंकिंग से रिलेटेड लेन देन का किसी भी तरह का काम करते हो, तो आप मनी ट्रांसफ़र भी ज़रूर करते होंगे और हमेशा आपको तलाश होगी यहाँ पर सबसे बेस्ट, वर्तमान समय में सबसे बेस्ट मनी ट्रांसफ़र पोर्टल कौन सा चल रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते आज का ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कि मनी ट्रांसफर पोर्टल को बेस्ट क्या क्या ऑप्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुल 5 चीज़ों को यहाँ पर नोटिस किया है मनी ट्रांसफर करने के दौरान। एक AEPS संचालक या फिर CSV संचालक को मनी ट्रांसफर के दौरान इन 5 चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि 5 टॉपिक होने ही चाहिए मनी ट्रांसफर पोर्टल में, ठीक है ना। पहला टॉपिक तो होता है हमारा स्पीड। आपका पोर्टल कितनी स्पीड से कस्टमर का काम करके दे रहा है, मतलब कि कितनी स्पीड से मनी ट्रांसफर करके दे रहा है, आपको कितनी आसानी हो रही है यहाँ पर मनी ट्रांसफर करने में, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर कमीशन, क्योंकि भाई आप जब कोई काम कर रहे हो तो आपको कमीशन कम मिले तो क्या मतलब ऐसे पोर्टल का, ठीक है ना। तीसरी चीज़ तो यहाँ पर हो गई आपका क्विक वॉलेट टॉपअप। आप क्विक वॉलेट टॉपअप इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे पोर्टल होते जहां पर आपको वॉलेट टॉपअप करने के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं ठीक तरीके से, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको आधार के माध्यम से ही पैसे निकालने के बाद मनी ट्रांसफर करना होता है, जो कि बहुत ही झंझट भरा काम होता है। या फिर उस पोर्टल के बैंक अकाउंट में पैसा डलाओ, उसके बाद रिक्वेस्ट करो, फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तो ऐसे में तो कस्टमर भाग ही जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ चीज़ ये आती है कि सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप इन पोर्टल में अपना हज़ारों रुपए लाखों रुपए डालकर रखते हो मनी ट्रांसफ़र के लिए, तो आपका पैसा सेफ है इन पोर्टल में या फिर नहीं, ठीक है ना। अब पांचवी चीज़ यहाँ पर हो गई लिमिट, कि यहाँ पर आपको पता होगा कि ज़्यादातर पोर्टलों में एक मोबाइल नंबर के थ्रू आप 25,000 रुपए तक यहाँ पर मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कई पोर्टल ऐसे हैं जो कि आपको काफ़ी बड़ी लिमिट दे देते हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे सारे टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर देखिए 3 पोर्टल यहाँ पर ओपन करके रखे हैं डेस्कटॉप पर। पहला तो स्पाइस मनी, दूसरा यहाँ पर पेटीएम बैंक एजेंट यानी कि पेटीएम का पोर्टल, तीसरा यहाँ पर हमने डिजीपे लाइट। दोस्तों डिजीपे लाइट के बारे में इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप उसको देखना चाहो, वहाँ पर मैंने कमीशन से रिलेटेड चीज़ें समझाई थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आई बटन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर अब बात करते हैं इन तीनों पोर्टल के बारे में, कौन सा पोर्टल किस चीज़ों में बेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चार्ट टाइप का बना के रखा है इन तीनों पोर्टलों का। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइस मनी के बारे में। तो स्पाइस मनी की अगर स्पीड की बात की जाए, अब दोस्तों स्पीड को ठीक तरीके से मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर ने बोला कि भाई 5,000 रुपये मनी ट्रांसफ़र कर दो। अब मान लीजिए उसके मोबाइल नंबर पर बेनिफिशियरी भी ऐड नहीं है, आपको यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है, फिर नाम सेव करना है, फिर बेनिफिशियरी ऐड करना है, अकाउंट ऐड करना है, इसके बाद मोबाइल नंबर ऐड करोगे, तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर को कम से कम 5-10 मिनट का वेट करना होता है, तब जाकर कस्टमर का मनी ट्रांसफ़र होता है। जबकि कस्टमर आते ही दुकान पर बोलता है कि भाई फुर्ती में आप मेरा काम करके दीजिए मुझे, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और भी दुकानें हैं मार्केट में, तो ऐसा हो जाता है कभी कार। तो यहाँ पर स्पीड बहुत मायने रखती है, तो इसीलिए मैं स्पाइस मनी को यहाँ पर 50% देना चाहूँगा स्पीड के मामले में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ये तीनों पोर्टल चला के देखता हूँ और मुझे पता है किसकी क्या स्पीड है। मैंने स्पाइस मनी के थ्रू भी यहाँ पर कई ट्रांजैक्शंस की हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई और कस्टमर को काफ़ी वेट करना पड़ा, इसीलिए मैं यहाँ पर स्पाइस मनी को 50% यहाँ पर मार्क दूंगा। वहीं यहाँ पर बात की है पेटीएम एजेंट पोर्टल की, तो यहाँ पर स्पीड के मामले में दोस्तों मैं सिर्फ स्पीड के मामले में बोल रहा हूँ, पेटीएम की टक्कर का अभी तक मार्केट में कोई भी पोर्टल नहीं उतरा है कि इतनी स्पीड में आपको वर्क करके दे। दोस्तों अकाउंट वेरिफिकेशन हर चीज़ होता है पेटीएम में, पेटीएम में नया मोबाइल नंबर डालना होता है, हर एक स्टेप होता है पेटीएम में, लेकिन पेटीएम की स्पीड पता नहीं किस तरीके की है, नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर स्पीड दी गई कि आप जैसे ही क्लिक करते हो ऐसा लगता है जैसे आप अपना कंप्यूटर चला रहे हो, यहाँ पर सर्वर का आपको इशू कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही फुर्ती में। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पेटीएम का जो इंटरफेस होता है बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पर देखिए AEPS का अलग से ऑप्शन दिया गया है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर क्लियरली दिए गए हैं। मनी ट्रांसफर में सिर्फ आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना होता है कोई सा भी, और प्रोसेस के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी आपने अकाउंट नंबर
वगैरह सेलेक्ट किए होंगे सारे यहाँ पर एक ही बार में आ जाएंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगती है कि मनी ट्रांसफ़र के स्पीड के मामले में तो पेटीएम की टक्कर का अभी तक मार्केट में कोई भी नहीं आया है। अगर आप कस्टमर को 2 सेकंड में उसका काम करके देते हो तो कस्टमर आप ही के पास आना पसंद करेगा। अब यहाँ पर थर्ड पर आते हैं डिजीपे के बारे में, डिजीपे लाइट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्पीड के मामले में इससे भी 50% ही मार्क देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसका स्पीड मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। वही टाइम आपका लग जाता है दोगुना का तिगुना, क्योंकि यहाँ पर लोडिंग बस चलती रहती है। यहाँ पर कायदे से मैंने इसे 50% भले ही यहाँ पर परसेंटेज में नापा है, लेकिन यहाँ पर स्पाइस मनी से भी स्लो वर्क करता है आपका डिजीपे, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कमीशन की। तो दोस्तों कमीशन के मामले में मैंने अभी तक का जितनी भी पोर्टल वगैरह देखे हैं उनमें से एक भी पोर्टल स्पाइस मनी की टक्कर का नहीं है। यहाँ पर कमीशन के मामले अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए कमीशन सबसे बेस्ट कमीशन सिर्फ और सिर्फ आपको स्पाइस मनी ही दे सकता है। अब यहाँ पर स्पाइस मनी में कमीशन क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये ट्रांसफ़र करोगे तो वही कमीशन आपका वही मिलेगा जो कि सभी पोर्टलों में मिलता है 0.5%, ठीक है ना। अगर आप 5000 या फिर 10000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तब तो आपको स्पाइस मनी में बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको तब तो आपको यहाँ पर 0.70% का कमीशन मिल ही जाता है, ठीक है ना। वहीं पर बात की जाए यहाँ पर पेटीएम पोर्टल की, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप चाहे 500 रुपये ट्रांसफ़र करें, चाहे 1000, चाहे 10000, चाहे 25000, पेटीएम पोर्टल में आपको सेम कमीशन देखने को मिलता है 50%। मतलब कि यहाँ पर 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वही आपको 5 रुपये का कमीशन मिलेगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा और जो कि आपको अपने कस्टमर से लेना होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं सबसे आगे इस पेटीएम पोर्टल को ही रखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड के मामले में पेटीएम की टक्कर का कोई भी अभी नहीं है, ठीक है ना। कमीशन बेस में यहाँ पर स्पाइस मनी ही बाजी मारता है। अब यहाँ पर आते हैं CSC डिजीपे की तरफ कमीशन के मामले में। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कमीशन की बात की जाए CSC में, तो यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये ट्रांसफ़र करते तो आपका वही कमीशन रहेगा 0.50%, और अगर आप यहाँ पर 5000 रुपये ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पर आपका कमीशन रहेगा 0.62%, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने मान लीजिए यहाँ पर डीजीपे के द्वारा 10000 रुपये ट्रांसफ़र किए तो यहाँ पर लगभग आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा जो कि आपको कस्टमर से लेना होगा, और यहाँ पर आपको रिवर्सल यहाँ पर लगभग 62 रुपये कर दिया जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा, लेकिन यहाँ पर स्पाइस मनी की तुलना में थोड़ा वीक है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं वॉलेट टॉपअप की। अब दोस्तों वॉलेट टॉपअप भी एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट होता है यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र के दौरान। क्या होता है कई बार हमें अर्जेंट में हमारे वॉलेट में पैसा नहीं होता है, कस्टमर आ जाता है और उल्टा सीधा अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना होता है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है बेस्ट वॉलेट टॉपअप की, जिसके लिए यहाँ पर स्पाइस मनी में एक अलग से बार कोड दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्पाइस मनी में अलग से एक बार कोड दिया जाता है जिसकी मदद से आप डायरेक्ट अपने फ़ोन पे, पर्सनल फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भी यहाँ पर मनी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं पेटीएम पोर्टल की। तो पेटीएम पोर्टल में वॉलेट टॉपअप मुझे सबसे बेस्ट लगता है। क्यों? आपको यहाँ पर खुद का एक करंट अकाउंट नंबर दिया जाता है। करंट अकाउंट का मतलब आप समझते होंगे कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के जरिए आप यहाँ पर अपने पोर्टल में मनी ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी भी अदर पर्सन से अपने अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हो। मतलब कि यहाँ पर वॉलेट टॉपअप के लिए तो मैं यहाँ पर इसे 100 में से 100% मार्क देना चाहूँगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं डीजीपे लाइट की। तो यहाँ पर वॉलेट टॉपअप यहाँ पर आपको QR के माध्यम से ही करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा QR दिया जाता है जिसमें आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना वॉलेट टॉपअप करना होता है, जो कि बहुत ही रिस्की होता है डीजीपे लाइट में, ठीक है ना। डीजीपे लाइट में मैं एक बार आपको बता देता हूँ किस तरीके का वॉलेट टॉपअप होता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं आके देता हूँ, वॉलेट टॉपअप के ऑप्शन पर चले जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए UPI का ऑप्शन मिलता है। UPI के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना होता है और यहाँ पर शो QR कोड, यहाँ पर जनरेट QR कोड पर आप जैसे ही जाओगे तो देखिए यहाँ पर 30 सेकंड का ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है। अब आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी, तभी जाकर आपका वॉलेट रिचार्ज होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सेव एंड सिक्योर के बारे में, मतलब कि आपका पोर्टल कितना सेफ है, क्योंकि दोस्तों आपका
लाखों रुपए का बैलेंस यहाँ पर डला रहता है आपके पोर्टलों में, जबकि आप यहाँ पर 2-4 रुपए के लिए ही काम करते हो। तो यहाँ पर आपका पैसा कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है इन पोर्टलों पर, ये भी बहुत बड़ा एक टॉपिक निकल कर सामने आता है। तो ये भी जरूरी होता है कि आपका पोर्टल सेफ हो, कहीं फेक तो नहीं, कल के दिन दिवालियाँ हो जाए ये पोर्टल और आपका पैसा गायब। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्पाइस मनी काफ़ी पुराना पोर्टल है और विश्वास करने लायक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि स्पाइस मनी हमारा पैसा लेकर भाग जाएगा या फिर सेफ नहीं है। सेफ है, लेकिन 50% आपका स्पाइस मनी सेफ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं 100% सेफ, तो यहाँ पर 100% सेफ की गारंटी पेटीएम पोर्टल की लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको अकाउंट दिया जाता है वो यहाँ पर आपका करंट अकाउंट दिया जाता है, पेटीएम का करंट अकाउंट। और पेटीएम बैंक, आपको पता होगा कि पेटीएम एक पेमेंट बैंक है जो कि RBI द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर कल के दिन बैंक का दिवालिया निकलता है या फिर बैंक भाग जाता है तो RBI गारंटी लेता है आपके 5 लाख रुपए तक की, कि RBI आपका 5 लाख रुपए तक का दे देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं पेटीएम को 100% सेफ मानता हूँ, कितना भी पैसा आप रख सकते हो इस पोर्टल में, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर DigiPay Lite में सेफ कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। देखिए, आज से लगभग 7 साल पहले आपने सुना होगा कि कांग्रेस की सरकार तब वो CSC पोर्टल चला करता था, लेकिन उस CSC पोर्टल में आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि आज के CSC पोर्टल के मुकाबले पुराने CSC पोर्टल में बहुत ही ज़्यादा सर्विस थी। वहाँ पर आपको SBI का क्योस्क भी दिया जाता था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यानी हजारों सर्विसेस यहाँ पर दी जाती थी CSC के माध्यम से। अब यहाँ पर जो लगभग 2015-16 के बाद CSC का जन्म हुआ है, पुराना CSC सबको हटा दिया गया, नया CSC ID जनरेट किया गया और इसको डिजिटल सेवा के नाम से पेश किया गया। तो यहाँ पर आप खुद सोच कर देखिए कि अगर CSC सेफ होता तो वो तो पुराना CSC ही अभी तक चलता, और यहाँ पर सरकार बदलने के बाद CSC बदलने का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो रिस्की काम होगा। कल के दिन मान लीजिए भाजपा की सरकार चली जाती है, कांग्रेस की दोबारा से आ जाती है, तो ये वाला CSC पोर्टल डिलीट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितनी भी आपको सर्विसेज दी जाती हैं वो भी कॉमन सी चीज़ है कि यहाँ पर हटा दी जाएंगी। तो यहाँ पर सेफ के मामले में भले ही सरकारी पोर्टल है, लेकिन सेफ के मामले में मैंने भले ही यहाँ पर 30% दिया है, लेकिन मैं पर्सनल राय से अगर दिल से बोलूँ तो यहाँ पर मैं इसे 0% मार्क देना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों आपने अगर इससे पहले DigiPay चलाया हो DigiPay, तो उसमें आपने देखा हो कितना पैसा फंस जाता था VLE का, हजारों बार कंप्लेन करो तब जाकर पैसा आता था। तो यहाँ पर सेफ के मामले में, सेफ एंड सिक्योर के मामले में मैं DigiPay को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल सेफ नहीं है। आपका पैसा कब आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सरकारी पोर्टल, सरकार अपनी मनमानी करती रहती, जबकि प्राइवेट अपने प्राइवेट पोर्टल अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते, तो इसीलिए वो लॉस सह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बहुत बुरी चीज होती है भाई साहब, गवर्नमेंट के चक्कर में मत पड़ेगा। अब यहां पर लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि इसकी लिमिट। देखिए, एक मोबाइल नंबर से आपको पता होगा कि एक मोबाइल नंबर से 25,000 तक भेजने की लिमिट होती है। तो यहां पर सबसे अच्छी लिमिट आपको देता है स्पाइस मनी, जिसमें आपको लगभग KYC के बाद, अगर आप KYC नहीं करते हो तो आपको लगभग 75,000 की लिमिट दी जाती है, ठीक। वहीं पर पेटीएम पोर्टल है, तो यहाँ पर पेटीएम में लिमिट के मामले में तो मुझे भी ये पोर्टल थोड़ा डिस्टर्ब लगता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक नंबर पर 25,000 की ही लिमिट दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन आप एक से ज़्यादा नंबर का इस्तेमाल करके मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है ना। और DigiPay में यहाँ पर 75,000 की लिमिट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर 75,000 कहने के लिए एक बार में आप 25,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसके बाद आपको 10-15 मिनट का वेट करना हो, तब जाकर आप दूसरा 25,000 का ट्रांजैक्शन कर सकोगे। तो यहां पर ये तो हो गई इन तीनों पोर्टल में से कौन सा बेस्ट पोर्टल है, आप खुद देख सकते हो। लेकिन यहां पर मैं अपना पर्सनल रिव्यू भी देना चाहूंगा कि इन तीनों पोर्टल में से मैं सबसे ज्यादा किस पोर्टल का इस्तेमाल करता हूं, वो है पेटीएम पोर्टल। पेटीएम इसलिए क्योंकि भाई कस्टमर को फास्ट सर्विस चाहिए होती है, और मैं यहां पर खुद का नुकसान सह सकता हूं, 1-2 रुपए कम मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए मेरे ग्राहक मायने रखते हैं, तो इसीलिए मैं पेटीएम का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है, मतलब कि कस्टमर को पलक झपकते ही आप उसका काम करके दे सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज की वीडियो में काफी कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ देगा इंस्टाग्राम ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।